बिहार के समस्तीपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक नाबालिग लड़की अपनी माँ, पिता और चाचा पर गंभीर आरोप लगा रही है। पीड़िता का कहना है कि पैसों की खातिर उसके परिजन उसका रेप करवाते हैं और साथ ही उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल भी किया है। पीड़िता ने थाने के SI समेत गाँव के मुखिया पर भी गलत काम करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि यह सब उसकी माँ और पिता की देखरेख में होता है। पीड़िता ने अपने वायरल वीडियो में बताया कि रोज उसके साथ 20 से 25 लोग रेप करते हैं। माँ घर में शराब बेचती है, थाने के पुलिसकर्मी घर आते हैं, शराब पीकर उसके साथ रेप करते हैं। मैं बहुत घुट घुट कर जी रही हूँ, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरी मदद कीजिए, नहीं तो यह लोग मुझे मार देंगे। लड़की ने वीडियो में अपना एड्रेस भी बताया है। पीड़िता का कहना है कि उसने पुलिस में इसकी शिकायत नहीं की है, क्योंकि SI मनोज सिंह खुद उसके साथ गलत काम करते हैं। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने लड़की की माँ, पिता और एक युवक को अब गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तुरंत ही कार्यवाही करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें कौशल और सिंघिया थाने के पदाधिकारी मनोज चौधरी का नाम भी सामने आया है और अब मामले की आगे जांच की जा रही है।